फ्रेंड्स नमस्कार, क्या हाल चाल आपका। तो जो आज की जो वीडियो है वो मैं शूट कर रहा हूँ अपने घर के बालकनी से। तो काफ़ी बारिश हो रही है तो जिसकी वजह से अभी मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अभी बालकनी में खड़ा हूँ। आज की वीडियो का मकसद क्या है, आज है 29 दिसंबर, तो मेरा जो ट्रिप है आने वाली जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है नए साल वाली। जो न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन होगी वो मैं करने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो एक योग नगरी के नाम पे कहलाई जाती है। तो मैं आपको अभी नाम नहीं बता रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, बट ये है कि मैं अभी कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपको इसका पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक आपने एक वीडियो पोल था, मैंने एक इमेज पोल भी किया था, ठीक है। मैं अभी अंदर आया तो लाइट पहले ऑन कर देता हूँ। एक मैंने इमेज पोल किया था जिसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे मैं इस बार न्यू ईयर कहाँ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन था ऋषिकेश, सेकंड ऑप्शन था मनाली, फिर था शिमला, फिर था गोवा। तो कई लोगों के जो आए हैं कमेंट कि इन्होंने वोट जो की है वो गोवा किया है, मनाली किया है, पर शिमला ऋषिकेश किसने नहीं किया है। बट मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जल्दी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है और अभी बजे हैं सिर्फ 2:30 बज चुके हैं और यहाँ से मैं निकलूँगा 4 बजे, 4 या 5 बजे निकलूँगा, क्योंकि मेरे को इस बार लेनी है बस। ट्रेन जो है मोगा से आपको पता है कि लुधियाना के लिए मोस्टली चलती है, आपने मेरे पिछली व्लॉग्स में देखा होगा कि मोस्टली ट्रेन से मैं जर्नी करता हूँ मोगा से लुधियाना के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड या कहीं ना कहीं जहाँ भी जाना होता है। लास्ट टाइम मैं कालका से शिमला भी गया था तो मोगा से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी और उसके बाद मैंने लुधियाना से फिर कालका के लिए, कालका से फिर मैंने शिमला और जो टॉय ट्रेन चलती फिर मैंने वो बुक कर ली थी। बट इस बार मैं बस की जर्नी प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज रीज़न ये है कि 2 बजे के बाद सीधा गाड़ी होगी 6:45 की, फिर 6:45 जो PM की जो ट्रेन चलेगी फ्रॉम मोगा से, और मोगा से जो ट्रेन चलेगी उसको पहुँचाएगी लगभग 6:45 पे चलेगी और लगभग मुझे लगता है पहुँचा देगी 8:30 तक पहुँचा देगी, राइट। 2 घंटे लेते कम से कम आप मान के चलो। और आज थोड़ा सा मेरे को काम था कि जो मेरा GoPro मैं यूज़ करता हूँ उसमें जो मेमोरी कार्ड डलता है GoPro Extreme, मेरे पास ऑलरेडी Extreme तो है बट वो जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो उसी GoPro Extreme मेमोरी कार्ड से कर रहा हूँ। बट कभी कभार क्या होता है कि इसमें ना दिक्कत आती है तो वीडियो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है और GoPro हैंग हो जाता है। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, जहाँ से मतलब मैंने GoPro बाय किया उनसे मैंने कुछ देखे और कम्युनिटी मैंने टैग भी करा, तो कम्युनिटी मैंने ग्रुप्स मैंने देखा कि कई लोगों के आप बताया गया था कि अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए सबसे जो बढ़िया कार्ड है वह GoPro Extreme नहीं है, GoPro Extreme Pro है। तो मैं आज लुधियाना जाऊंगा और लुधियाना में उसके बाद मैं वहां से जो चौड़ा बाजार, आपको पता होगा लुधियाना में चौड़ा बाजार रेलवे स्टेशन के पास है, वहां पे मेरे को दो तीन शॉप्स मिली हैं, गुप्ता है, सुनील है, तो मैंने एक आधी शॉप से बात भी करी कि मेरे को मेमोरी कार्ड चाहिए, वो कह रहे कि हाँ अवेलेबल है और हमारी शॉप 8 बजे तक खुली होगी। तो चलो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ से 4 बजे जाऊँगा, 4 या 5 बजे निकलूँगा और 6:30-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और जो उसके बाद मेमोरी कार्ड लेके 1 घंटा मेरे को वहाँ लग जाएगा, उसके बाद मेमोरी कार्ड लेके फिर निकल जाऊँगा सीधा मैं वीडियो ट्रेन है 10:30 बजे की हेमकुंट एक्सप्रेस, आपको बता दिया मैंने हेमकुंट एक्सप्रेस में जा रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, ठीक है, बट आपको मैंने एक हिंट दे दिया, ठीक है, आप हिंट से समझ आओ भी कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड लेंगे, मेमोरी कार्ड लेके फिर मैं स्टेशन बोर्ड जाऊंगा और उसके बाद जो आगे की जर्नी है वो देख स्टार्ट करेंगे नए मेमोरी कार्ड के साथ, क्योंकि ये होता है कि जब इतना मेहनत करो, इतना मतलब आप ट्रैवल करो, कहीं भी आप जाते हो जब भी ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि ब्लॉग में डेफिनेटली मेहनत तो लगती है और पैसा भी खर्च होता है, राइट्स। और इसमें ये चीज़ है कि वहाँ जाके अगर आपका वो बनाया हुआ ब्लॉग वो डिलीट हो जाए तो भैया आपको कितना किस्त कैसा लगेगा, अभी मेरे को पता कि वो कैसा लगेगा, ठीक है। तो जो भाई मेरे देख रहे हैं व्लॉग देख रहे हैं वो भी समझ आओ कि किस तरह का फील होगा। तो ये जो सब जर्नी है अभी आपको जितना भी मैं आज का जर्नी का लेके कल जो जहाँ तक मैं जाऊँगा
मतलब अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जाऊँगा। अभी तक मैंने आपको ये नहीं डिस्क्लोज किया मैं जा कह रहा हूँ, बट यस जा रहा हूँ कहीं ना कहीं नए साल मनाने के लिए, और आपको वीडियोज़ मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो भैया ये है आज का मेरा प्रोग्राम, तो यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, बाकी का जो अपडेट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, और कुछ लुधियाना स्टेशन का भी एक आधा व्लॉग बना दूँगा मैं, छोटा मोटा आपको अपडेट दे दूँगा आने वाली जो वीडियोस में आपको अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है, अपकमिंग्स कि वहाँ पे ट्रेन्स का क्या सिस्टम है और डिले वगैरह हो रही है क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से कुछ ना कुछ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। बाकी आज बारिश हो रही है, हो सकता है कि ट्रेनों में टाइम में डिफरेंस हो, राइट। तो भैया ये है, और बारिश पड़ रही है, बारिश देखते हैं रुक गई है नहीं रुकी है, अभी तो बारिश रुकी नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बैग पैक किया है, राइट, बैग मैंने पैक कर लिया है, इसकी लगा देते हैं चिटकनी। चलिए डोर को कर देते हैं भैया बंद, अब हम चलते हैं मेरे रूम की तरफ। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, यार आपने रूम देखा ही नहीं होगा मेरा। चलो लाइट कर देते हैं स्विच ऑफ, डोर कर देते हैं बंद। तो गाइज ये है मेरा रूम, यहाँ मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग, यहाँ मैं लैपटॉप रख के अपने रिकॉर्डिंग करता हूँ, राइट। तो मेरा जो बैग है वो पैक मैंने कर लिया है, ये मैंने बिल्कुल एक नया बैग मंगाया है जो सफारी का आता है 45 लीटर। मैंने अब इस पर रेन कवर चढ़ा रखा है बिकॉज़ बारिश हो रही है तो मुझे निकलना है, तो भैया फिर कपड़े कपड़े भीग जाएंगे, दिक्कत तो रहेगी फिर। ठीक है, और यहाँ मैंने चार स्विच लगा रखे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो ये है भैया मेरा रूम, और आगे की जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ठीक है समझाओ आप। चलिए इस व्लॉग में ये भी एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। अब आपने क्या करना भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मुझे पता है कि आप वीडियो वॉच करते हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं करते हो, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है भाई, सब्सक्राइब पे क्लिक करो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब भी आप अपना यूट्यूब ओपन करोगे तो हमारी जो वीडियोज है वो आती रहेंगी। आप वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।